गलत नहीं किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 370 को समाप्त करना, यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसके उपयोग कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनता संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आपने देखा कि वो उसे हम लोगों ने कर दिया है। सचमुच प्रधानमंत्री जी को इस साहसिक कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे इस फैसले के साथ खड़ी है। लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा। अरे लोग चाहते हैं, आप क्यों परेशान हो? आप पहले टेररिज्म अपने यहां रोको, आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहो, तो करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी? और सारी दुनिया, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सवाल पर, मैं समझता हूं कि ऑन बोर्ड है, साथ खड़ी है। और उसको कश्मीर को लेकर अनावश्यक राग अलापने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पीओके में हो रहा है और जिस गैर कानूनी तरीके से वहां की जनता के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी चिंता करनी चाहिए। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? हम, आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वह आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लांड वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत उनको आपको नहीं देगा। पहले से ही यह बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं था। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और आर्टिकल 370 को जो हम लोगों ने समाप्त किया है, सचमुच आर्टिकल 370 को समाप्त करना यह हमारा इंटरनल मैटर था। और हमारी कुछ दिनों पहले अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं,
वहां के डिफेंस सेक्रेटरी से बात हो रही, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया और कहा कि नहीं सचमुच यह कश्मीर का मुद्दा तो इशू तो आर्टिकल 370 समाप्त करना तो यह तो आपका इंटरनल इशू है, उन्होंने भी खुद स्वीकार किया। और पाकिस्तान का कश्मीर में कोई लोकल स्टैंडाई नहीं, कोई लोकल स्टैंडाई नहीं। लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं। हां गिलगित बाल्टिस्तान पीओके पाकिस्तान यह सब तो जहां तक है वो सब भारत के हिस्से हैं। 94 में हमारी मेंबर हमारी पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन भी किया है इसके बारे में। और जहां तक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रश्न है, यह बनाते समय हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत की यह एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और यहां की समस्याओं के लिए किसी भी हद तक जाकर हम समाधान निकालेंगे। हमारी यह कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर ही यहां की समस्याओं का समाधान निकाला जाए और समाधान लद्दाख की समस्याओं का निकलेगा, मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं। और हमारे सीसी ने जो एक मांग पत्र दिया है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं सारी चीजों को मैं देखूंगा, हमसे जो संबंधित होगा मैं उसका समाधान करूंगा और दूसरी मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड होंगे कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी मैं लिखूंगा ताकि यहां की प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो सके। और यहां तक इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौती है हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट, जिसका असर काफी जनजीवन और वातावरण पर पड़ता है, खासतौर पर जो लोग सुरक्षा बलों और सेना में काम करने के कारण यहां पर तैनात हैं उनकी कठिनाई और भी बढ़ जाती है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे बोलचाल की भाषा में अफ्तिहार बोलने लगे हैं, इन्हीं समस्याओं के समाधान के साथ साथ हिमालय की ऊंचाइयों और तन्हाइयों में देश की स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम को मजबूती देने का भी यह डीआरडीओ यहां पर बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलेटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी, हमेशा हमारे इस बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर आर मेनी बायलैटरल इश्यूज and after Mr. Imran Khan became the Prime Minister of Pakistan, I called him up to congratulate him and I told him that Pakistan needs to fight poverty, India too. Pakistan needs to fight illiteracy, India too. Pakistan needs to fight disease, India too. And so together, let us join our forces to fight poverty and all the ills that are facing our two countries. Let us work together to for the welfare of the people of our two countries. And this is the message that I keep giving my counterpart in Pakistan. Along with President Trump, we also keep talking about the different bilateral issues between us. Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं।
India and Pakistan all the issues are of bilateral nature, and we do not want to give pains to any country in the world try to do anything in this, because these issues are bilateral. And I trust that before 1947, when we were one country, that even afterwards we can find solutions through discussions. Mr. President, is that officer on the table? I'm here. I have a very good relationship with both gentlemen, and I'm here if for any reason, but I think they can do it themselves. They've been doing it for a long time. President, the Chinese have said today publicly that it's more low-level calls that have happened, and they're downplaying the significance of the calls the U.S. administration. I don't know what you mean by that. Low-level? The vice premier is low-level? I don't think so. What's in your mind, they're low-level? What is the position of the gentleman that was quoted in the newspaper today? Right. Well, the Vice Premier, Leo Ho, came out with a very significant statement, and we've been communicating through intermediaries back and forth with him. Who's the Vice Premier of China? Yes, sir, I understand. That's not low level. I understand, I agree. There was a statement that the spokesman for the Foreign Ministry said they weren't aware of the calls happening. I don't know about a story. There's been communication going on. At the highest level.